हे hey दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से और एक न्यू वीडियो पे। आज मैं आपको ऐसे कुछ फ़ोन्स की नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी फ़ोन की फ़ोटो को और भी बेहतर तरीके से आप खींच सकते। कोई भी नॉर्मल कैमरा हो तो आपके फ़ोन में, तो उससे भी आप बहुत ही बढ़िया शानदार फ़ोटो खींच सकते। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करके शुरू करेंगे करने से पहले, और एक छोटा रिक्वेस्ट, अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट शेयर आपकी मर्जी, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइए। तो मिलते हैं वीडियो पे। तो मैं फर्स्ट जिस एप्लीकेशन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, उसका नाम है कैमेरन ग्लाइड। इसी एप्लीकेशन से आप बहुत ही अच्छा खासा फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे कि यहाँ पर आप बहुत सारी स्टिकर को इस्तेमाल करके आप फ़ोटो को खींच सकते हैं। इसके अंदर है पॉप स्टिकर, पेट्रो मोड, प्रो मोड और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह दिया गया, आपको खुद यूज़ करना है। और उसके बाद अगर मैं काम करूँ तो इसके ऊपर HD मोड पर भी हम इसे पिक्चर को खींच सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मैनुअल तरीके से आप किसी को भी नोटिस करके फ़ोटो को खींच सकते हैं। आप बहुत ही एडिट कर सकते हैं यहाँ पर भी। इस कैमरे के अंदर बहुत ही अच्छा खासा एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया, जो आपको आमतौर पर जो मामूली कैमरा है वहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑटो फोकस के अलावा आपको जितना सारा ऑटो फोकस, iOS सब कुछ आप सेटिंग कर पाएंगे। iOS आपका मन चाहे तो जितना ही चाहे तो आप iOS सेटिंग करते हो। नाइट मोड मिलेगा, उसके अलावा डिटेक्ट मोड मतलब गाइडलाइंस मिलेगा, जो पर आप खुद गाइड कर सकते हैं, जिसका आपका कैमरा को कोई भी चीज़ फोटो करने में बहुत ही आसान मिलेगा। उसके बाद फोकस, ऑटो फोकस बटन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, मतलब आप खुद फोकस कर सकते हैं ऑटो फोकस से। टाइमर भी दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है, जो मामूली कैमरा पर नहीं दिया गया। टाइमर सेट करके आप चाहे तो मिनट पे या सेकंड पे आप फोटो को खींच सकते। तो ये एप्लीकेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते। खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करते रहिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन आता है उसका नाम है कैमरा AV5 Lite। ये भी बहुत ही अच्छा खासा कैमरा एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप खुद चाहे तो किसी को भी मतलब वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते, बहुत सारे वाइट बैलेंस दिया गया, और वाइट बैलेंस को आप लॉक भी कर सकते। बहुत सारे ऐसी मैनुअल ऑप्शन, जैसे कि फोकस मोड पे आपको ऑटो फोकस से फेस डिटेक्टिव फोकस जो DSLR में वगैरह होता है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप चाहे तो मैनुअल तरीके से ISO को सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते, जैसे कि ISO आप ऑटो कर सकते 200-400 कहीं भी ISO कर सकते, और चाहे तो डिटेक्टली मैनुअल फ़ोन की सारी डिटेल्स मतलब कैमरा की जितना सारा फोकस सिस्टम है सब कुछ आप मोड पे कर सकते हैं। पैनोरामा मोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी खासी बात है। तो इसी से आप पिक्चर को शानदार तरीके से खींच पाएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट में किसी कैमरे की बात करूँ तो गूगल कैमरा आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। मैं नीचे इसका एक लिंक दे दूंगी, उसके अलावा मैं इसके ऊपर और भी एक्स्ट्रा वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं कैसे गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि सभी फ़ोन में सभी गूगल कैमरा सपोर्ट नहीं करता, उसका फ़ोन की जो एंड्रॉयड वर्जन होता है उसके अनुसार गूगल कैमरा को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप, मैं ऊपर आई बटन पे एक लिंक दे दूंगी, ऊपर जाकर आप इसी गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस को देख सकते हैं कैसे गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको 3 डैश पे आपको पैनोरामा मोड, लेंस ब्लर सेटिंग्स और 360 फोटो खींचने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है, आप इसे 360 फोटो भी खींच सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बात लगा मुझे लेंस ब्लर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जाऊँ किसी भी सब्जेक्ट में, अगर मैं क्लिक करके फोटो खींचूँ तो लेंस ब्लर मतलब सामने का जो सब्जेक्ट था सब कुछ छोड़कर पीछे वाला सब बैकग्राउंड DSLR जैसा ब्लर कर देगा। बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन मतलब कैमरा है गूगल कैमरा। मैं इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ कोई भी फोटो वगैरह खींचने के लिए, YouTube की बहुत ही थंबनेल बना के मैं इसको काम में लेता हूँ। तो आप इसी कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप ऊपर जाकर आपका एंड्रॉयड वर्जन देख कर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो मेरा जो आई बटन पे वीडियो उसे भी देख सकते हैं। तो और एक कैमरा है मेरे पास जिससे आप फोटो खींचने के समय DSLR जैसा फील कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं मैनुअल मोड, ऑटो मोड, सेम टू सेम DSLR जैसा आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन वगैरह, जैसे कि अगर आप डिस्प्ले पे टच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा सेटिंग्स है, जैसे कि पिक्चर साइज देख सकते, सेल्फ टाइमर वगैरह सेट करके आप ऑटो फोकस मोड, मैनुअल फोकस मोड पे बहुत ही अच्छा खासा वाइड बैलेंस करके फोटो खींच सकते। इसके अलावा आपको स्लो मोशन करने का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब वीडियो अगर शूट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं, स्लो मोशन और मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है वीडियो की, सब कुछ यहाँ पर डिटेक्ट करके आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर HDR मोड और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिया गया है, आप चाहे तो इसे इस्तेमाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पैनोरामा मोड, DSLR पे बहुत अच्छा लगा मुझे ऑप्शन, क्योंकि DSLR जैसा एक राउंड बटन दिया गया, इसी बटन पे आपको सारी सब कुछ A to Z डिटेल्स मिल जाएगा। इसी कैमरा को आप पर्सनल यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही था कुछ कैमरा एप्लीकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, आप चाहे तो उसे खुद इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट मुझे चारों कैमरा बेस्ट लगा, और दो कैमरा है बट उतना भी खास नहीं, इसलिए मैंने चारों कैमरा को सिलेक्ट किया। तो वीडियो को पसंद है तो लाइक करके जाना, कमेंट शेयर आपकी मर्जी, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो वीडियो को आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो पे।